अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज कुछ नया नया बताते हैं, नई टिप्स हैं। आज मैं बनाऊंगी आयशा के बाल, हेयर स्टाइल करूंगी आयशा की। आयशा के बाल अभी देखिए मैंने शैम्पू से हम लोग ने कितने अच्छे कर दिए हैं, तो आपको मैं बताती हूँ उसके हेयर स्टाइल बना के। एंड देन एक फूड रेसिपी बना रही हूँ मैं, बता रही हूँ आपको, और उसकी जो पूरी चीज़ें हैं कैसे क्या डालना है उसमें, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी बन रही है, मैं आपको ज़रूर दिखा दी हूँ, तो मुझे बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा एंड में या नहीं लगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और आयशा के भी हेयर्स हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा काम है किचन में, एक रेसिपी बन रही है, वेट करो। तो सबसे पहले हम लोग नाश्ते की तैयारी जो करते हैं, तो मैं बोली अभी रोज़ हमेशा चाय पाव बटर वगैरह खाने से अच्छा है कि चलो हम लोग बनाते पोहे, और पोहे बनाते हैं। पोहे एकदम सादे से बनाया मैंने, राई टमाटर कांदा, मुझे इसमें ना जो टमाटर होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है पोहे का, और थोड़ी सी चाय बनाए, थोड़ा तेज़ अच्छा लगता है। और मिर्ची जब हम लोग इसमें काट के डालते हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी काट के डालना है, छोटी छोटी इसलिए नहीं कि कैसे मुंह में आ जाती है, किसी को नहीं पसंद है तो वो क्या करता है साइड में हटा के, मिर्ची जिसको खाना है वो मिर्ची भी खा सकता है, जिसको हटाना है वो साइड में हटा देगा। तो ऐसे करके मैं पोहे बनाती हूँ, तो आपको मुझे बताना ये कैसे लगे पोहे। बहुत ही टेस्टी बने थे, अच्छे बने थे, तेज़ थे, और मॉर्निंग में थोड़ा ब्रेकफास्ट अलग टाइप का हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरी मम्मी की मैं एक रेसिपी बताने वाली हूँ, खाजा जो मेरी मम्मी बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाजा। तो मैं आपको अभी रेसिपी बताने वाली हूँ मेरी मम्मी क्या बनाते हैं अभी खाजा। अभी तो वेकेशन चल रहे हैं तो इसलिए अभी मम्मी बहुत टेस्टी भी खाना बनाएंगे, तो बताती हूँ चलो। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो जो है मैदा मंगा लिया था, एक्चुअल में सब रमज़ान का फिनिश हो गया है तो अभी मुझे मंगा नहीं पड़ा, तो मैंने मैदे के अंदर थोड़ा सा तेल, हल्का सा नमक, जब हम लोग कोई मीठी चीज़ बनाते हैं तो मैं हल्का सा नमक डालो तो और मिठास बढ़ जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा नमक डाला गया है, तेल से उसको गूंदा गया है, और थोड़ा सा दूध वगैरह ऐड किया है, और एक तरफ चाशनी रख दिया जिसमें तार बने, इतनी चाशनी को आपको उबालना है। तो मैंने ये जो जो मैंने बनाया है मैदे का जो आटा गूंदा था उसको ऐसे बनाना है आपको, ऐसे आप उसको दूसरे शेप्स में भी बना सकते हो, लेकिन मैं हमेशा अलग अलग शेप्स में बनाती, तो अभी जो है ये टाइम मैंने अलग शेप में बनाया ताकि ये इसका इसके जो चाशनी है अंदर अंदर तक जा सके। तो एक तरफ चाशनी के अंदर मैंने हरी इलायची डाल दिया है और तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, ये ऐसे गोल गोल सबसे पहले मैं बना के, जैसे हम लोग मेंदू वड़ा बनाते हैं ना वैसे ही मैंने उसको बनाने की कोशिश की है, मेंदू वड़े की ऐसा बनाकर उसको छोटे छोटे बनाना है, उसमें एक एक होल करना है, थोड़ी देर के लिए आप रख भी सकते हो बना के। मैंने डायरेक्टली बना दिया था क्योंकि उमर को जल्दी चाहिए था, उमर बोल रहा था मम्मी जल्दी दो मुझे एक खाना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, नहीं तो मैं इसको आधा एक घंटा रख के बनाओगे तो और अच्छा इसके अंदर जो तेल वगैरह छूटेगा तो अच्छा बनेगा, ये इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगेगा। तो फाइनली मैंने इसको थोड़ा, अगर तेल डाल के आप लोग जैसे इसको गूंथते हो ना तो तेल का यूज़ कम होता है, बस यही होता है इशू, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप चाशनी में थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हो, ठीक है। देन ये ऐसे बनाने के बाद काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने का, फिर इसको बना के ये देखिए आप देख सकते हो मैंने कैसे इसको सर्कल कर करके इसके अंदर एक पॉइंट निकाला है, फिर इसको मैंने क्या किया फ्राई किया है, तो अब ये फ्राई हो रहे हैं और थोड़े थोड़े फ्राई करके निकालेंगे, एक साथ डालेंगे तो लाल नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा लाल करना है लाइक बिस्किट के कलर का, और जितना हो सके इसको अच्छे से गूंद के ही आपको करना है। तो ये देखिए अभी ये उमर भी, अभी बच्चे देखते हैं ना तो फिर मस्ती करना शुरू करते हैं, पता ना आटा उनके लिए बच्चों के लिए खेल होता है, मुझे पता है, तो हम भी छोटे थे तो आटे को जस्ट खेल ही करते थे, मतलब कुछ भी छोटी रोटी बनाते थे पूरी बनाते थे तो ऐसा प्रॉब्लम था। ये देखिए अभी मैंने कैसे बनाना स्टार्ट किया है, जैसे जैसे लाल होगा, लालस में आएगा तो ही अच्छा है, ज़्यादा लाल मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है आपको, मीडियम रखना है। और एक तरफ मेरी चाशनी अच्छी खासी उबल रही है, चाशनी भी ठंडी करना है, लेकिन बहुत अच्छे बने हैं आपको मैं क्या बताऊँ, मतलब इतने टेस्टी लगे ना मुझे ये बनने के बाद, मैं हमेशा बनाती हूँ, जब लॉकडाउन लगे हुए थे ना लॉकडाउन में तो मैंने इतना बनाया है इसको, इतना बनाया कि बच्चे भी खा खा के थक गए,
तो ये देख सकते हो आप एक साइड में, अभी आयशा पढ़ाई करने के लिए बैठ रही है, थोड़ा अभी छुट्टी है तो क्या हुआ, थोड़ा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, तो ये फ़ोनिक्स की बुक अभी पढ़ा रही हूँ मैं। अभी आयशा उमर को थोड़ा थोड़ा पढ़ाई के लिए लेकर बैठूँगी, क्योंकि हमेशा खेल कूद मस्ती मोबाइल नहीं चलेगा ना, तो फ़ोनिक्स लेकर बैठे हैं हम लोग। फ़ोनिक्स ऑलरेडी आयशा का कम्प्लीट है, लेकिन फिर भी अभी उसको इंग्लिश स्पीकिंग मुझे सिखाना है, तो पढ़ के मिलती हूँ आप लोगों को जब मेरी बुक खत्म हो जाएगी, जब मैं बताऊंगी आप लोगों को, तो मैं जब तक पढ़ रही हूँ तो मेरी मम्मी जब तक रेसिपी बता रही है आप लोगों को। ये देख सकते हो हम लोग फाइनली बुक की तरफ से आ गए किचन में वापस से, क्योंकि मैंने फ्राई करने के लिए छोड़ कर आई थी, तो ये देखिए ऐसे लाल हुए हैं, और शक्कर के पानी में ऐसे डुबा के, तो शक्कर के पानी में इसको डुबा डुबा के निकालना है। तो अभी ये देख सकते हो मैंने तीन एक साइड के शक्कर के पानी में डुबा कर निकाले हैं, और आयशा बैठी है पढ़ाई करने के लिए। आयशा पढ़ाई कर रही है, तो चलिए उसको थोड़ा सा बेसिक कराते हैं और बेसिक अच्छा हो जाए छुट्टियों में। और उमर तो पढ़ने से रहा, उसको अलग अलग डिश चाहिए बस खाने को। चल आयशा जल्दी थोड़ा सा कर ले, फिर मैं तेरा एक हेयर स्टाइल डालूं। क्या क्या पढ़ी, क्या क्या, ठीक है। गाइज, मेरी मम्मी ने आप लोगों को बताया था ना रेसिपी, और बहुत टेस्टी बना था, और जो वो खा जाए बहुत टेस्टी बना था। और मेरी मम्मी ने आज रात के खाने में दाल चावल बनाया है और टमाटर की चटनी। तो आपको कैसे लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताना, और ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।